मीराजी विक्रमी संवत 1595 में श्री धाम वृंदावन आई और अब विक्रमी संवत 1620 मीरा जी को अर्ध रात्रि में चंपकलता सखी आके मिली है। मीरा जी से कहा है, मीरा जी अब आप द्वारिका के लिए प्रस्थान करो। मीरा विहल हो उठी कि मेरे जीवन में अब और कितना भटकना है। जब मैं तुम्हें चंपादासी के रूप में तुम मुझे ले गई माधवी कहते हुए श्याम सुंदर राधा रानी के पास, तब प्रियाजू और श्याम सुंदर ने मुझसे कहा था, मीरा बस कुछ क्षणों की बात है, कुछ ही दिनों की बात है, अब मैं तुम्हें शीघ्र ही अपना लूंगा, तो अब क्या बात हो गई। तब चंपकलता सखी ने बताया है, मीरा जी याद करो कुरुक्षेत्र की लीला को, जब आप माधवी के रूप में श्री जी की सेवा में थी। देवी रुक्मणी को देख के आपके मन में भाव आया था कि देवी रुक्मणी का कितना सुंदर भाग्य है, अगर ऐसा भाग्य मेरा भी किंचित होता और मैं भी श्री द्वारिकाधीश की रानी होती तो उन्हें अपने अंग से अंग लिपटा के आलिंगन कर पाती। तो मीरा जी आपके उसी भाव की पूर्ति के लिए ठाकुर जी का आपके लिए आदेश है कि अब आप द्वारिका पधारो, क्योंकि आपके मन में श्री द्वारिकाधीश के प्रति ये इच्छा प्रकट हुई जिसे श्री द्वारिकाधीश जी ही पूर्ण करेंगे, इसलिए आप द्वारिका पधारो, वहाँ श्री द्वारिकाधीश के रूप में और आप उनकी रानी के रूप में श्री द्वारिकाधीश को प्राप्त करो। मीरा जी मन भारी कर कर रोते बिलखते 4 महीने किसी प्रकार काटते हुए द्वारिका पहुंची है। मीरा जी द्वारिका गोमती द्वारिका आई है, गलियों में भटकती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं। मीरा जी की दशा अब ऐसी है जो अब मीरा से भी असहनीय हो गई। मीरा जी के पास एक जोगी बाबा आए, मीरा जी को दिव्य श्री द्वारिकाधीश की लीला सुनाते हैं नित्य प्रति। मीरा विहल होती है, रोती है, बस क्या करूं, कैसे दिन बिताऊं कि अब मुझे द्वारिकाधीश कब अपनाएंगे, गिरधर मुझे कब अपनाएंगे। कुछ समय बीता, वो जोगी बाबा भी जाने लगे तो मीरा उन्हें पकड़ने के लिए पीछे दौड़ी है, मत जा मत जा मत जा रे जोगी, अगर चंदन की चिता बनाओ अपने हाथ आग लगा जा रे जोगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणन लिपटा जा रे जोगी, मत जा मत जा मत जा रे जोगी। मीरा रो पड़ी और जो ही उस जोगी बाबा के वस्त्र का छोर पकड़ा है तो जोगी बाबा तो अदृश्य हो गया और वहां श्री द्वारिकाधीश भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। मीरा ने नेत्र भर के दर्शन भी नहीं करा, एक ही झवी पाई कि उतनी देर में वो द्वारिकाधीश जी का दिव्य स्वरूप भी मीरा के नेत्रों से ओझल हो गया। मीरा अब तो विरह की परम पराकाष्ठा पे पहुंच गई। मीरा ने इतना रुदन किया, इतना रुदन किया कि मीरा के नेत्रों की ज्योति चली गई। मीरा ने अपने केश मुंडवा लिए, मीरा ने अपने अंगों के वस्त्र फाड़ दिए, सब अंगों को अग्नि लेके जला लिया। बस मीरा तड़पती है दिन रात, बाला मैं बैरागन होंगी, जिन भेषा मेरो साहिब लीजे सो ही वेश धरूंगी, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा वेश,
कहो तो मोती है न मांग भरावा, कहो छिटकारा केस। दासियों ने किसी प्रकार मीरा जी को धीरज धरने की सलाह दी। मीरा जी धीरज धरो, प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल जाएंगे। मीरा जी गिरधर आते होंगे, आप धीरज धरो। मीरा कहती है, प्राण हमारा वहां बसत है, यहाँ तो खाली खोल। मात पिता तरे परिवार तजियो में ना ही नहीं कामो। मीरा जी की दशा देखे नहीं देखी जाती है। शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि आई है, दिव्य द्वारिका प्रकट हुई है समुद्र के बीच में से। शोभा दासी निकल के आई है मीरा जी की बाह पकड़ के, उस दिव्य द्वारिका में प्रवेश करके ले गई मीरा जी को। जहाँ मीरा जी दिव्य द्वारिका में पहुंची हैं, जहाँ 16,108 रानियां विराजमान हैं और श्री रुक्मणी देवी ने मीरा जी का स्वागत करा है, मीरा जी का खूब सत्कार करा है। मीरा जी विहल हो के रोती हैं कि अब मुझे मत तरसाओ, आप द्वारिकाधीश से कहो मुझे अपनाएं, कब अपनाएंगे, कब अपनाएंगे। तो रुक्मणी जी ने धीरज बनाया है कि मीरा जी बस अब आपके बिछुड़न के नहीं, मिलन के दिन आ गए, अब बिछुड़न नहीं होगा। जिस मीरा के अंग अंग जल गए थे, 66 वर्ष की मीरा हो गई थी, उन मीरा जी के जिनके केश मुड़ गए, जिनके नेत्रों की ज्योति चली गई, जब रुक्मणी देवी ने पंचामृत से सब रानियों के सहित मीरा जी का अभिषेक करा, दिव्य दुल्हन के रूप में मीरा जी को सजाया, तो मानो मीरा 15 वर्ष की नव युवती बन गई। ऐसा सुंदर रूप की द्वारिकाधीश की अष्टपट रानियां भी लज्जित हो गई। मीरा जी वापस चेतना में आई हैं, कक्ष में। सब दासियों ने देखा ये कैसा चमत्कार हो गया, ये मीरा जी तो ऐसे लगती थी कि मानो शरीर गल के गिर जाएगा। अंग अंग जल गए थे, केश मुंड गए थे, नेत्रों की ज्योति चली गई थी, लेकिन ये दिव्य दिव्य स्वरूप मीरा का सब देख के हैरान हो गए। मीरा जी बस गिरधर की प्रतीक्षा करती है, क्योंकि रुक्मणी जी ने कहा है कि मीरा जी अब आपका चिन्मय देह हो गया है, और मैं आपको आश्वासित करती हूँ कि आप इसी देह के सहित श्री द्वारिकाधीश को प्राप्त करोगे, और आपके अनुयागत्य में जितनी भी दासियां होंगी वो सब भी श्री द्वारिकाधीश को ही प्राप्त होंगी। मीरा जी से अब विरह सहन नहीं होता। मीरा गिन गिन के दिन काटती है कि इतने ही समय में चित्तौड़ के राज पुरोहित आ गए। कुछ दिन इसी भाव में काटे, कुछ दिन इसी भाव में काटे, कुछ दिन इसी भाव में बीते, कुछ दिन इसी भाव में बीते, दिन काटे बस जीते जीते, दिन काटे बस जीते जीते। अब तो पुरोहित चित्तौड़ से आए, पुरोहित चित्तौड़ से आए, हरि सिंह रामदास संग लाए, हरि सिंह रामदास संग लाए, उदय सुत प्रताप राणा भी आए, आकर सब राहाल बताए, आकर सब राहाल बताए, चित्तौड़ पे संकट ही सब छाए, चित्तौड़ पे संकट ही सब छाए। मीरा जी को कहते हैं राज पुरोहित, मीरा जी जब से आप गई हो चित्तौड़ का तो तख्ता पलट हो गया, जहाँ खुशहाली घूमती थी वहाँ सब और बदहाली हो गई, मारा मारी फैल गई,
भुखमरी अकाल अपंगता कंगाली सब छाए। और मीरा जी ज्योतिषी कहे मीरा भगतानी को वापस लेकर आए। जब से आप गई हो अकाल पड़ता है, अपंगता हो गई, भुखमरी, अकाल मृत्यु, लोग मर रहे हैं, फसल ने उपजना बंद कर दिया, सब जगह हाहाकार है। किसी दिव्य ज्योतिष ने बताया है कि इस भूमि पे किसी भक्त का बहुत अपमान हुआ है, उससे क्षमा मांगो, उसे यहाँ पुनः लेके आओ किसी प्रकार। तो मीरा जी अब आप चलो अपने चित्तौड़ को बचा लो, नहीं तो ये राजपूत राणा वंश खत्म हो जाएगा। मीरा जी से माफी मांगी और सब व्यथा सुनाई। हो मीरा जी से माफी मांग सब व्यथा सुनाई। अद्भुत पावन चरित्र महान भक्ति पति मीरा पाई। मीरा जी से कहा है, मीरा जी चलो बचा लो अपने वंश को, अपने चित्तौड़ को बचा लो। मीरा कहे अब कहीं नहीं जाऊं। मीरा कहे अब कहीं नहीं जाऊं। मीरा कहती है ये मीरा भटक भटक के थक गई है, अब मीरा कहीं नहीं जा सकती। मीरा कहे अब कहीं नहीं जाऊं। मीरा कहे अब कहीं नहीं जाऊं। बैर न मन मेरा तू काबू। बैर न मन मेरा तू काबू। हे पुरोहित जी, मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है, कोई बैर नहीं है। उनसे कहो वो सुख से रहे, मेरे आने न आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं किसी से रुष्ट होके नहीं आई हूं, मैं तो गिरधर की आज्ञा से आई हूं। राजपुरोहित हट पर आड़े। राजपुरोहित हट पर आड़े। अनशन करूंगा तेरे द्वारे। अनशन करूंगा तेरे द्वारे। जो तुम मीरा नाही पधारे। तज दूंगा मैं प्राण पखारे। हे मीरा जी, मैं आपके द्वार पे बैठ के अनशन करूंगा, और अगर आप चलने को तैयार नहीं हुई तो भूख प्यास से अपने प्राण आपके द्वार पे छोड़ दूंगा, और आप तो महापाप ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। लेकिन मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अब तो राजपुरोहित अनशन पर बैठ गए। मीरा जी के चरणों में रख दी पगड़ी की आन। एक पगड़ी की आन तब रखी थी मीरा के ताऊ विरम देव ने, जब मीरा का विवाह कराना था। और आज तो राज पुरोहित ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ पुरोहित जी ने अपनी पगड़ी उतार के मीरा जी के चरणों में रखी। मीरा जी के चरणों में रख दी पगड़ी की आन। अपराध क्षमा करो अब हमरा, मीरा तुम हो भक्त महान। हे मीरा जी, हमसे बड़ा अपराध हो गया, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमारी भूल को क्षमा करो मीरा जी, अब आप बचा लो इस भारत वंश को बचा लो। उठा पटक इसी बात में कुछ दिन गए बिताई जी।
ताल मटोल करके निकाल रही है। और अब तो संवत 1627 आया, संवत 1627 विक्रमी संवत 1627 आया है। और कौन सा पावन दिन? संवत 1627 आया, संवत 1627 आया, अक्षय तृतीया का दिन छाया, अक्षय तृतीया का दिन। ये वही अक्षय तृतीया का दिन है जिस दिन मीरा की द्वारिकाधीश के साथ विवाह हुआ था। पहले द्वारिकाधीश के साथ विवाह हुआ, फिर भोजराज के साथ विवाह हुआ। आज वही पावन दिन आ गया और मीरा तो विहल है गिरधर। इसी दिन आके तुमने 56 करोड़ यदुवंशियों के साक्षी होकर मेरे साथ विवाह करा था, आज कहां चले गए? ये वही पावन दिन है मेरा गिरधर, आएगा आएगा, मीरा विहल होती है। संवत 1627 आया, संवत 1627 आया, अक्षय तृतीया का दिन छाया, अक्षय तृतीया का दिन छाया। बोली राज है ए बोली पुरोहित जी से आए, मीरा जी विहल है और राज पुरोहित जो अनशन पे बैठे हैं उनके पास आई है। कहती है ए बोली पुरोहित जी से आए, द्वारिकाधीश से जाए, मैं पूछूं द्वारिकाधीश से। मीरा जी कहती है पुरोहित जी नहीं होता, नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बार अपने प्राण आधार द्वारिकाधीश से पूछ देती हूँ, आज्ञा लेती हूँ, जैसा वो कहेंगे वैसा ये मीरा करेगी, क्योंकि मीरा अपने जीवन में अब और निर्णय नहीं ले सकती। मेरे द्वारिकाधीश मेरा गिरधर जैसा कहेगा मीरा वैसा करेगी। बोली पुरोहित जी से आए, बोली पुरोहित जी से आए, मैं पूछूं द्वारिकाधीश से जाए, मैं पूछूं द्वारिकाधीश से जाए। मैं पूछूं द्वारिकाधीश से जाए, पूछूं द्वारिकाधीश से जाए, जैसी वो आज्ञा कर जाए, जैसी वो आज्ञा कर जाए, और वो ही मीरा करती पाए, वो ही मीरा करती पाए। मीरा जी कहती है जैसे को आज्ञा देंगे मीरा वो ही करेगी, चाहे मीरा के प्राण चले जाए, लेकिन मीरा द्वारिकाधीश की आज्ञा के अनुसार ही चलेगी। आप अर्चन को त्याग दो, मीरा के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, जैसा मीरा गिरधर कहेगा वो ही करेंगे। बाला मैं वेरागन होंगी, जिन वेसा मेरो साहिब रीझे सो ही वेश धरू। अगर वो कहता है मीरा चित्तौड़ जाओ, तो मीरा एक क्षण का विलंब नहीं लगाएगी और आपके सामने आपके साथ साथ चलेगी। मैं एक बार अपने प्राण प्रियतम से पूछ लूंगी,
ये कहते ही मीरा घर है आपने कहा था अब कोई दुविधा नहीं होगी मीरा, अब तो बस तेरे और मेरे मिलन की घड़ी आ गई। लेकिन प्रभु कितनी परीक्षा लोगे मीरा नहीं सहन कर सकती। और मीरा द्वारिका ग्रीस के मंदिर में भागी है, इतनी तीव्र गति से भागी है मानो पवन का वेग भी धीमा पड़ गया। से मीरा बाई महल द्वारिका जाती, कितनी परीक्षा लोगे मेरी, हे गिरधर है दाती, कितनी परीक्षा लोगे मेरी, हे गिरधर है दाती, कितनी परीक्षा लोगे मेरी। पीछे पीछे दासियां भागी, पकड़ सकी ना कोई। मीरा इतनी तीव्र गति में भागती है, कितनी परीक्षा लोगे मीरा, नहीं रह सकती, मीरा के प्राण ले लो, मैं नहीं रह सकती, अब आपके बिना नहीं रह सकती। कितनी परीक्षा लोगे, अब तो अपना लो। मीरा भागती जाती है द्वारिका ग्रीस के मंदिर, दासियां खड़ी की खड़ी देख रही है मानो कोई खंभे चढ़ हो गए। किसी को नहीं समझ में आता ये क्या हुआ, पवन का वेग आया या मीरा भागी है, कुछ चेतना आई, सब भागी है मीरा के पीछे। पीछे 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 दासियां भागी, पर पकड़ सकी ना कोई। मंदिर में प्रवेश कर मीरा, आज तो फूट फूट कर रो। मीरा ने सिर पटक के मारा है, दीवारों में सिर दे के मारती है, ऐसे देव को क्यों धरूं, इसके इतने जंजाल इतने प्रपंच, पहले तो जब रहती थी तो धक्के मार के निकालते थे, ऐसा क्या है इस देव में जो ये संसार के लोग मेरे से याचना करते हैं, लेकिन मेरा गिरधर मुझे नहीं अपनाता। अब अपना लो मीरा ने फूट फूट कर क्रंदन गाया है। पर पकड़ सकी ना कोई। मंदिर में प्रवेश कर मीरा, फूट फूट कर रोई। मंदिर में प्रवेश कर मीरा, फूट फूट कर रोई। और कितनी परीक्षा दोगे। Thank you.
मेरी कितनी परीक्षा लोगे मेरी, यहाँ सुनत नाही मेरी को। द्वार द्वार चौखट पर मीरा सिर पटकाई दी हो, द्वार द्वार चौखट पर मीरा सिर पटकाई दी, अद्भुत भावनी मीरा भाई, अद्भुत पावन चरित्र महान भक्ति पति मीरा भाई। अब तो अंतिम भाव मीरा ने गाए, अंतिम भाव मीरा ने गाए, यानी ने अपने जीवन काल के अंतिम भाव के आखरी भाव है, अंतिम भाव मीरा ने गाए, अंतिम भाव मीरा ने गाए। द्वारिकाधीश को खूब सुना, द्वारिकाधीश को खूब सुनाए, अब सुधली कहती है, कब अपनाओगे कब अपनाओगे मेरी शुद्ध तनो, एक बार देखो तो सही। मीरा जी ने आखिरी पद गाए हैं द्वारिकाधीश के सम्मुख खड़े होके, ये आखिरी दो पद मीरा के, कृपा रावरी। हे सजन, हे प्रियतम, मेरी सुध जिस प्रकार आपको अच्छी लगती उस प्रकार ले लो तो सही, एक बार मीरा को देखो तो सही। तुम बिन मेरा और ना कोई, कृपा रावरी कीजे रावरी। दिन नहीं भूख, रैन नहीं निद्रा, दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा, यो तन पल पल छीजे, बिछुरन मत कीजे, मोसे मिलो बिछुरन मत कीजे।
मीरा बुखलाई जी
मंदिर घंटिया बजने लागी, मंदिर घंटिया बजने लागी, दामिनी मेघ फाड़ कर जागी, दामिनी मेघ फाड़ कर जागी, सौर घंटे घड़ियाल सदा बजने लगे, जोर जोर बिजलियां मंदिर घंटिया बजने लागी, दामिनी मेघ फाड़ कर जागी, दामिनी मेघ फाड़ कर जागी। अब तो मिया मीरा भागी मीरा भागी गर्भ ग्रह में, मीरा भागी गर्भ ग्रह में, अति उन्मादी परम विरह में, अति उन्मादी परम विरह में, अति उन्मादी परम विरह में, अति उन्मादी परम विरह, अति उन्मादी परम विरह, भुजा पसारे परम स्नेह में, भुजा पसारे परम स्नेह में, मेरा भुजा पसारते हुए भागी है गर्भ ग्रह में, मानो बिजलियां चमक रही है, चौर घंटे घड़ियाल की ध्वनि है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। मीरा एकदम गर्भ ग्रह में प्रियतर ध्वज का दी से गिर कर रे गिर कर रे गिर कर लाज राखो कहती कहती मीरा गर्भ ग्रह में प्रवेश कर गई। पूजा पसार बाहे फैला श्री द्वारिकाधीश ने, अभी तो मीरा बाहे फैला के प्रवेश कर रही थी, इतनी देर में चतुर्भुज रूप श्री द्वारिकाधीश जी का विग्रह मीरा के विरह प्रेम सिंधु को समाने के लिए पूजा पसार के खड़े हो गए। बाहे फैला श्री द्वारिकाधीश ने मीरा लपटाई,
मेरा अंग लपटाई और सारा शरीर श्री मीरा बाई रण छोड़ माही समाई सशरीर श्री मीरा बाई रण छोड़ माही सशरीर मीरा और द्वारकाधीश के विग्रह में लो के बाद ये मंगला दासी ने इस दशा का वर्णन करा है नित्य अनुपुर बाद के और कावत ले करता देखत ही हरि में लीन भाई के चुनरी के छोर को अपने होठों से दबा रखा था जब सब ग्रह में गर्भ ग्रह में प्रवेश हुए मीरा कहीं नहीं दिखती बस श्री द्वारकाधीश जी के मुख कमल में से मीरा जी का चुनरी का छोर लटका हुआ दिखता है जो कुछ तो अंदर जा चुका है और कुछ बाकी शेष बाहर लटक रहा है ये प्रत्यक्ष दर्शन करे जितने लोग वहां थे और आज भी परम रसिकों का कहना है भाव से दर्शन करो तो द्वारकाधीश जी के श्री विग्रह में मीरा का छोर का दर्शन होता है पर माधवी मीरा श्री द्वारकाधीश की हुई मिलाई दी हो माधवी मीरा श्री
Thank you.
तेरे द्वारे काधीश ने आलिंगन कर लिया। मेरा सर शरीर श्री द्वारे काधीश के बस मेरा की चुनरी का छोर श्री द्वारे काधीश के मुख से लटका। मीरा जब पवन वेग की तरह गर्भगृह में प्रवेश करी, किसी को समझ नहीं आया। इतने में पीछे पीछे दासियां भी गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए दौड़ना चाहती हैं, लेकिन पुजारी जी ने रोक दिया। अब तो पुजारी जी दासियां दौड़ी दौड़ी आई, दासियां दौड़ी पंडित जी तब अंदर जाई, दासियां दौड़ी दौड़ी आई, पुजारी जी तब अंदर जाई। अंदर गए हैं, दासियों को बाहर रोक दिया, क्योंकि गर्भगृह में मर्यादा है। मीरा तो कब प्रवेश कर गई किसी को नहीं पता लगा। अब जो ही पुजारी जी अंदर गए हैं, देखे मीरा दिखती नाही, देखे मीरा दिखती समझने में देर नहीं लगी, सब समझ गए पुजारी जी और बाहर आए हैं। पुजारी जी ने जब यह कही के मीरा रण छोड़ समाई, और मीरा जी को जब कहीं नहीं देखा, देखा दिव्य प्रकाश द्वारिकाधीश जी से मिलता है, एक चुनरी का छोर दिखता है बस, तब बाहर आए हैं। समझने में देर नहीं लगाई और आके कहा है सबको बाहर, दासियां वो राज पुरोहित उदय सिंह जी के पुत्र दोनों और महाराणा प्रताप सब खड़े हैं। सब आस लगा के कि मीरा कहाँ है, मीरा कहाँ है। आके पुजारी जी ने बताया है, पुजारी ने जब यह कही के मीरा रण छोड़ समाई, तो सभी दासिया तक्षण अपने प्राण तजाई। सभी दासियों ने जब यह सुना कि मीरा जी सा शरीर श्री द्वारिकाधीश जी में समा गई, सभी दासियों ने उसी समय तुरंत अपने प्राण छोड़ दिए। पुजारी ने जब यह कहा मीरा रण छोड़ समाई, सभी दासियां तक्ष क्षण अपने प्राण तजाई। आ गए सैनिक तब ही अंदर, सारे चित्तौड़ से जितने सैनिक आए थे सब अंदर घुस गए गर्भगृह में। आ गए सैनिक तब ही अंदर,
जाऊं दिस दृष्टि घुमाई, देखा कोई झरोका तो नहीं, कहीं से कोई दीवार तो टूटी नहीं, क्या बात है, कहां गई मीरा। आ गए सैनिक तब ही अंदर, जाऊं दिस दृष्टि घुमाई, ढोक बजा दीवार फरस पर मीरा कहीं नहीं पाई। सोचा कहीं मीरा ने कोई सुरंग तो नहीं बनाई, कोई दीवार में कोई गुफा तो नहीं, सब जगह ठोक बजा बजा के देखते हैं लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। आ गए सैनिक तब ही अंदर और चहुं दिस दृष्टि घुमाई, ठोक बजा दीवार फरस पर मीरा कहीं नहीं पाई। और तब तो जो देखा रण छोड़ दो, जो देखा रण छोड़ दो, प्रकाश आंख ना समाए, इतना दिव्य प्रकाश निकल रहा है। मीरा जी का चुनरी छोर प्रभु के मुख कमल दर्शावे, बस मीरा जी का चुनरी छोर प्रभु के मुख कमल दर्शावे, बस मीरा जी का चुनरी छोर प्रभु के मुख कमल दर्शावे, बस मीरा जी का चुनरी छोर प्रभु के अंग दर्शा। सबने मीरा बाई की जय जयकार मनाई दी। जय हो, जय हो, सबने मीरा बाई की जय जयकार मनाई दी। सब सैनिक सब लोग अंदर प्रवेश कर गए, सब ने खूब दीवारें ठोक ठोक के देखी, फरस को ठोक ठोक के देखा लेकिन कुछ नहीं। और जो ही श्री द्वारकाधीश प्रभु की तरफ दृष्टि घुमाई तो इतना दिव्य प्रकाश निकलता है, और बस मीरा जी की चुनरी का छोर प्रभु के अंग में दिखता है। ऐसा अद्भुत श्री मीरा जी का चरित्र। मीरा चरित्र कौन कह पावे, मीरा चरित्र कौन कह पावे, मीरा चरित्र कौन कह पावे, मीरा चरित्र
विरह की बात बतावे, कौन विरह की बात बतावे। सरकार ने भी कहा है गेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, इस दर्द का कौन बखान करे, जो हर की गति जो हर जाने, जो कोई जो हरी हो। मैं तो प्रेम दीवानी, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए तो नगर भिंडोरा पीटती, इससे प्रीत न करी तेरी। मैं तो विरह दीवानी, मेरा विरह न जाने, मेरा चरित्र कौन कह मेरा चरित्र कौन कह पावे, और कौन विरह की बात बतावे, कौन विरह की बात बतावे। मेरा बाई चरित्र महान, मेरा दीवानी मेरा दर्द ना जाने, मीरा भी अपने विरह का बात बताने में असमर्थ है। बस इस चरित्र से एक बात हमको समझ आती है कि मीरा गिरधर एक है, यही मीरा जी के दिव्य चरित्र का विश्राम। और विश्राम तभी है जब ये जीव परमात्मा का हो जाए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर गिरधर एक है, यही बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब उसके ही अंश हैं। बस बात का फर्क ये है, मीरा इस बात को जानती है और हम इस बात को मानते भी नहीं हैं। अभी तो हम मानते भी नहीं, फिर मान और जान में भी बहुत बड़ा फासला है। जिस प्रकार भोले बाबा ने कहा है देवी पार्वती से, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भोले बाबा कहते हैं देवी सुनो, वो प्रेम से प्रकट होता है ये बात मैं ये नहीं कहा, प्रेम से प्रकट हो मैं माना नहीं, मैं मानता नहीं, इस बात को मैं जानता हूं कि प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं। और वही बात है, मीरा इस बात को जानती है कि मैं गिरधर की हूं और ये जीवात्मा भी परमात्मा की है, हम इस बात को नहीं मानते। अभी तो मानने और जानने में ही अटके हैं, अभी तो मानते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशी, चेतन अमल सहज सुख, और
और यही इस चरित्र का सार है कि मीरा गिरधर एक है। हर कोई चरित्र है, हर कोई अपने आप में चरित्र है, बस वो लोग गिरधर से लगाने की देर है। हम चरित्र हैं लेकिन हमने चरित्र के आगे हीन लगा रखा है, तभी हम चरित्रहीन है। वरना हर जीव चरित्र है, हर जीव चरित्र है, क्योंकि उसका एकमात्र ठोर श्री हरि चरणों में ही है। जिस दिन वो इस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा तो वो चरित्र है, और अगर परमात्मा की प्राप्ति से हीन रह गया इस शरीर से तो वो चरित्रहीन ही है। हर कोई चरित्र है और मीरा और गिरधर एक है। जिस प्रकार ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशी, चेतन अमल सहज एक ही है, उनके ही है। बस जिस दिन उससे मिल जाएंगे तो हम भी चरित्र हैं, वरना हम चरित्र ही हैं। और यही बात है कि मीरा गिरधर एक है, यही चरित्र को सार एक ही है। मीरा जाके अगर विश्राम पा सकती है तो वहीं, जैसे हम अपने बिस्तर पे ही विश्राम पाएंगे, कितना ही घूम लो पैसा खर्च करके फाइव स्टार होटलों में, लेकिन जो सुख अपनी टूटी हुई चारपाई पे मिलेगा वो सुख इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे ही इस जीवात्मा का जो परम सुख है वो सच्चिदानंद परमात्मा के रूप में ही है। मीरा गिरधर एक है और यही चरित्र को सार, श्री चरणन में प्रीत हो मेरी और नेति नेति कहूं हार। इस चरित्र का विश्राम हो ही नहीं सकता, नहीं इसकी कभी इतिश्री नहीं है, निरंतर है, सदा है। कितनी कितनी मीरा आज भी दिव्य वृंदावन, दिव्य द्वारिका, दिव्य प्रभु लाड़ लड़ाती है, बस हमारे नेत्र उन्हें पहचानते नहीं। मीरा गिरधर एक है, यही चरित्र को सार, चरण कमल में प्रीत हो मेरी और नेति नेति कहूं हार। आपके चरित्र को कहने सुनने में मैं असमर्थ हूं, आपके चरणों में बस मेरी प्रीति हो प्रभु, बस आपसे हम सब की यही एक कामना है कि आपके चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। मीरा गिरधर एक है, यही चरित्र को सार, चरण कमल में प्रीत हो मेरी, नेति नेति कहूं। कृष्णदास गुरुदेव कृपा से यह लीला आई।
को पाए गई है। अभी ठाकुर जी ने दिया है, मानो अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी चंदन का श्रृंगार इसलिए करते हैं क्योंकि मीरा के विरह ताप को सहन करने की शक्ति और शीतलता ही चंदन दे सकता है। मानो मीरा आज के दिन विरह ताप में गिरधर में समाई है, तो श्री द्वारिकाधीश प्रभु भी आज के दिन चंदन श्रृंगार करते हैं। मानो उस विरह ताप को जिसको लेके मीरा आई है उसमें कुछ ठंडक मिले। विक्रम 1627 विक्रमी संवत में, 1627 विक्रमी संवत में, अक्षय तृतीया के दिन पावन में, अक्षय तृतीया के दिन पावन, 1627 विक्रमी संवत में, अक्षय तृतीया के दिन पावन में क्या हुआ? समाए गई रे, चुनरी का छोड़ रण छोड़ मुख माई, 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 चाहूं जिस मीरा दिखती नहीं और चुनरी का छोड़ रण छोड़ मुख माई, क्या करा क्या? बस क्या दिखता है कि चुनरी का छोड़ रण छोड़ जी के मुख से निकल रहा है। ऐसा मीरा दिखाए गई रे, चुनरी का छोर दिखाए
शरीर ग्रण छोड़ में समाई, ऐसा शरीर ग्रण छोड़ में समाई, शरीर ग्रण छोड़ में समाई, जगत में ख्याति छाए गई रे, सारे जगत में ख्याति छाए गई रे, ए पाए गई पाए गई पाए गई रे, पाए गई पाए गई पाए गई रे, मीरा गिरधर को बार बार बलिहारी जाऊं, बार बार बलिहारी जाऊं, बार बार बलिहारी जाऊं, बार बार बलिहारी जाऊं, भक्त भगवंत की लीला यश गाऊं, भक्त भगवंत की लीला यश गाऊं, ए भक्त भगवंत दासिया की शरण में आए गई रे, कृष्ण दासिया की शरण में आए गई रे, कृष्ण दासिया की शरण में आए गई रे, कृष्ण दासिया की शरण में आए गई रे, ये पाए गई पाए गई पाए गई रे, पाए गई पाए गई पाए गई रे, मीरा गिर तृतीया के दिन पावन में, चाहे तृतीया के दिन पावन, 1627 में अक्षय तृतीया के दिन क्या हुआ, मीरा समाए गई समाए गई समाए गई रे, समाए गई समाए गई समाए गई रे, मीरा समाए गई समाए गई समाए गई रे, समाए गई रे, रण छोड़ समाए गई रे, हे बार बार बलिहारी बार बार बलिहारी 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 बार बार बली बलिहारी भक्त भगवंत को लीला यश का
हीरा गिरधर को पाए गई रे, हीरा गिरधर को पाए गई, हीरा गिरधर को पाए गई रे। हे अद्भुत पावन चरित्र महान भक्तिमती मीरा बाई, कलयुग ही दिखायो सदस गोपी का प्रेम प्रगट, कलयुग ही दिखायो सदस गोपी का प्रेम प्रगट, कलयुग ही दिखायो। निर अंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, निर अंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, निर अंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो, निर अंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टनी दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो, दुष्टनी दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो, दुष्टनी दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो, दुष्टनी दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो। बार न बाका भयो गरल अमृत यो पियो, बार न बाका भयो गरल अमृत यो पियो, भक्ति निशान बजाए के भक्ति निशान लाज कुल संथला तरिनिया गिरधर भजी, लोग लाज कुल संथला तरिनिया गिरधर भजी, लोग लाज कुल संथला तजी मीरा गिरधर भजी, लोग लाज कुल संथला तजी मीरा गिरधर भजी। भक्तिमती श्री मीरा बाई की जय, श्री राधे।